हेलो दोस्तों, मैं छोटू भाई आप सभी का स्वागत करता हूँ ताश नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ काट पत्ती में जीतने का बहुत ही गजब ट्रिक, यानी शानदार ट्रिक। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लिए ना, तो काट पत्ती में आप लोग नहीं हारोगे। जब आप काट को फंसा लोगे काट के, उसके बाद जब आप पीसोगे ना, तो भाई सबको मारोगे, यानी कि पत्ता अंदर ही आएगा कितना भी काटेगा। आज की इस वीडियो में इसी का ट्रिक देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए सबसे पहले। सो दोस्तों, जुआ नहीं सीखनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए। अगर जुआ में पैसा हार चुके हो, तो इस वीडियो को देख कर इस ट्रिक की मदद से आप अपने पैसे को वापस कर सकते हो। जुआ खेलने के पर्पज़ से बिल्कुल यह वीडियो नहीं है। तो देख लीजिए, हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ऑलरेडी मिक्स हैं, पूरा मिक्स हैं। देख लीजिए किस प्रकार से पूरा मिक्स है। और मैं अभी इसको चलिए अच्छी तरीके से पीस लगा लेता हूँ और पीस भी लेता हूँ। उसके बाद आप कहीं से भी काटोगे पत्ता मैं मारूंगा, ठीक है। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं पीसता हूँ, इतना ही पीस के मैं रख दिया। आप किसी भी प्रकार से कट कर लीजिए। देखिए, अभी यहाँ से कट कर लिए और ये देखिए आप चौवा उल्ट दिखा दिए कि भाई चौवा हमको दो। अभी चौवा पे जितना पैसा रखेंगे ना बाहर साइड में, तो हम अंदर खा जाएंगे चौवा पे। चौवा 100% मरने वाला है। तो चलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चौवा किस प्रकार से मरेगी। ये देखिए चौवा आ गया ना मेरे पास, ठीक है, चौवा आ गया। और जैसे कि आप किसी भी प्रकार से आप कटिंग कर लेते हो ना, किसी भी प्रकार से कटिंग कर लेते हो। चलिए मैं पीस लेता हूँ फिर से, और फिर से पीस लेता हूँ। और चलिए देखिए, मैंने पीस लिया ऑलरेडी और फिर मैंने आप लोगों के बीच में रख दिया। और आप कहीं से भी काट सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं। देखिए कहीं की ऐसा नहीं कि मैं पत्ता को थी ये कर रहा हूँ, ये देखिए पूरा समेट के रख दिया हूँ। आप कहीं से भी काट सकते हो, इस प्रकार से कहीं से भी काट सकते हो। देखिए आधा से बेसी काट लिए, तो अभी देखिए ये टीका हो गया, ठीक है। अभी देखिए एक का जो है कि 100% अंदर आएगा, बाहर तो जाएगा ही नहीं। देख लीजिए, देख लिए, मैंने पत्ता फेंकने में भी कुछ भी नहीं किया और डायरेक्ट पत्ता अंदर आया एक का। तो अभी फिर से देखिए मैं पीसता हूँ, देख लीजिए मैं फिर से पीस देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने पीस दिया और रख दिया आपके पास। आप फिर से कटिंग कर लो, कहीं से कटिंग कर लो, बीच से कटिंग कर लो, कहीं से इस प्रकार से दाब के कटिंग कर लो, इस प्रकार से कटिंग कर लो। और काटना है और काट लो, कम काटना है कम काटो, ठीक है। चलो कम काटा, फिर से मान के चलो कि एक का ही है, तो एक का 100% मरेगा, अंदर आएगा। चलो फिर देख लेते हैं, आ गया एक का, ठीक है। तो अभी ठीक है, अभी अगले बार एक का कट गया था, तो अभी मैं दूसरा पत्ती यानी कि काट के दिखाता हूँ, वो भी पत्ता मरेगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने पीस के रख दिया। और किसी भी प्रकार से काट लीजिए, बीस से कटिंग कीजिए, हाफ से कटिंग कीजिए, कहीं से देखिए कितना मोटा कटिंग किए। अब देखिए ये अट्ठा है, अट्ठो मरेगा, ठीक है, अट्ठा भी अंदर आएगा भैया, देख लीजिए पूरा। चाहे जितना पत्ती में आवे, अट्ठा जो है कि अंदर ही आएगा, नहीं तो जितना बाजी लगाएंगे ना तो हम खा जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अट्ठा जब भी आएगा अंदर ही आएगा, चाहे जब भी आए, चाहे जिस समय आए, 100% अंदर आने वाला है, चाहे जिस समय आए, जितना देर लगे। और पत्ती फेंकने में भी मैं अथी नहीं कर रहा हूँ, देख लीजिए अट्ठा आ गया अंदर, यानी कि पत्ती में चीटिंग कर रहा हूँ सो बात नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली यानी कि काटोगे और अंदर आना ही है, ठीक है, ये ऐसा ट्रिक है दोस्तों। तो चलिए फिर, सो दोस्तों क्या करना पड़ता है इस ताश की डेक में, जो कि 100% आप अंदर मारते हो, कोई भी पत्ता किसी प्रकार से कट कर लेता है इस प्रकार से, और आप अंदर मार लेते हो, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो मैं आपको इसका ट्रिक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी एक बार और करके दिखाता हूँ, मैंने पीस दिया ऑलरेडी, आप कहीं से भी कटिंग कर दीजिए। देखिए तिग्गी है, और तिग्गी 100% अंदर आएगा, ठीक है, 100% तिग्गी अंदर आएगा, उसमें कुछ भी नहीं है, दो में एक नहीं है, तिग्गी 100% इधर आएगा। और पत्ता फेंकने में भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नीचे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आराम से मैं फेंक रहा हूँ, आराम से फेंक रहा हूँ, देख लीजिए। जब भी मरे 10 पत्ती, 20 पत्ती, 30 पत्ती, जब भी मरे वो तिग्गी अंदर ही आएगा, बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे जितना भी पैसा रख दीजिए। देखिए आया ना, तो इसका ट्रिक मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं ये कार्ड में शुरू में ही 26 लगा दिया था, ठीक है।
तो छब्बीसा कैसे लगाते हैं, तो मैं उसका ट्रिक सिखाता हूँ। चलिए अभी मैं बता देता हूँ किस प्रकार से करनी है। जैसे आप काट पत्ती खेल खेलते हो, काट पत्ती में इस प्रकार से कटिंग हो रहा है खेल में, तो बस खेलते खेलते अपना ताश एक ठो रखना है, नया ताश लेके रखना है और उस ताश में छब्बीसा लगा देना है, समझे ना। तो छब्बीसा किस प्रकार से लगानी है मैं बता देता हूँ। चलिए अट्ठा, चार अट्ठा को निकाल देते हैं, चार अट्ठा हो गया। और जैसे कि बेगी ले लीजिए, बेगी चार को ले लीजिए, चार बेगी भी निकाल दीजिए इस प्रकार से, चार बेगी निकल गया, आठ पत्ता हो गया। यानी कि ऐसे नहीं समझोगे, चार चार आठ पत्ता हो गया। आठ पत्ता के बाद क्या करनी है, सत्ता निकाल दो चार पत्ती, सत्ता देखिए अब कितना हुआ, बारह पत्ती हो गया। और बादशाह निकाल दीजिए, बादशाह निकल गया ये आपका, बादशाह ये देखिए चार निकल, चार चार आठ चार बारह चार सोलह, सोलह सोलह हो गया। और अभी आपको दुग्गी निकाल लीजिए, एक दो तीन चार, 20 पत्ती हो गया। और आपको क्या और निकालनी है, और निकाल लीजिए छक्का निकाल लीजिए, एक 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 छक्का, छक्का 2 पत्ती हो गया, 3 हो गया, एक 4 हो गया। और कितना पत्ती हो गया आपका छब्बीसा में, यानी कि 4 पत्ती ये हो गया, 4 ये हो गया, 8 हो गया, ये 4 12 हो गया, 4 16, 4 20, 4 24, 24 हो गया। 2 पत्ती और निकालने हैं, 2 पत्ती आपको, 2 गुलाम निकाल लेनी है, चाहे जो भी गुलाम निकाल लीजिए, ठीक है। तो जब भी देखिए, जब आप इस प्रकार से पीसेंगे ना, जैसे कि देखिए 26 26 पत्ती हो गया अलग अलग, ठीक है, 26 26 पत्ती अलग हो गया। तो आपको करनी क्या है, बस पहले से आपको सेट कर लेना है। सेट कैसे होगा, तो चलिए मैं देखिए, आपको जो एक्सपीरियंस होगा पीसने का, तो आप इस प्रकार से भी सेट कर सकते हो। तो देखिए 26 पत्ती होगा, 26 पत्ती होगा, आप इसके ऊपर रख दीजिए और 26 बार यानी कि इस प्रकार से, एक पत्ती नीचे से लेनी है, एक पत्ती ऊपर से लेनी है, एक पत्ती नीचे से लेनी है, एक पत्ती ऊपर से लेनी है, एक पत्ती नीचे से लेनी है, एक पत्ती ऊपर से। अगर आप 26 बार इस प्रकार से कर लेते हो तो 26 दूनी 52 हो गया, आपका 26 साल लग गया, ठीक है। तो आप पहले मैं कर लेता हूँ, इस प्रकार से आपको कर लेनी है, और नहीं तो अपने घर में ही बना के रख लेना है 26 साल नया कार्ड में, कोई टेंशन नहीं आया। इसे पीसने के लिए एक्सपीरियंस हो तो इस प्रकार से 26 साल लगा देनी है। मैं टोटल तास को एक नीचे से लूंगा, एक ऊपर से लूंगा, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से और एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से और एक ऊपर से, एक नीचे से, 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 एक ऊपर से, ठीक है। ये मेरा 26 साल लग गया दोस्तों। और इस ताश में जो है कि आपको पीसना किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार से। वीडियो बड़ा होगा लेकिन पूरा देखना भाई, पूरा समझ लेना। अगर ये 26 आप जान गया ना, तो भाई जब दीपावली या किसी भी दिन खेलोगे ना काट पत्ती, अगर आपका दान हो गया उसके बाद आप 26 लगा देते हो और कटिंग करवा के खेलते हो, भाई 100% आप जीतोगे, इसमें 2 में 1 नहीं है। 26 तो लग चुका है आपका। और जब आपको पीसनी है ना सीधा, ये देखिए यहाँ से 20 से उठानी है और ऊपर रख देना है, यानी कि आपको 20 से नहीं निकालना है इस प्रकार से, 20 से नहीं निकालना है, ठीक है। देखिए नीचे भी कार्ड है ये वाला और ऊपर भी कार्ड है, 20 से निकालिएगा तो 26 खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, नीचे से इस प्रकार से उठानी है, इस प्रकार से ऊपर रखनी है। तो मैं किस प्रकार से पीसता था, इस प्रकार से, इस प्रकार से पीसनी है, खाली घिंचा ही नहीं, ठीक है, खाली घिंचा ही नहीं, बीच से नहीं घिंचना है, बस इस प्रकार से नीचे से घींच के ऊपर चढ़ा देनी है, चाहे 10 पत्ती 20 पत्ती 50 पत्ती आप जिस प्रकार से चढ़ाइए, कोई टेंशन नहीं। देखिए ये पिसा गया, और पिसा गया इस प्रकार से आप दे दीजिए कटिंग करने के लिए। कोई भी आदमी कहीं से कटिंग करेगा ना, इस प्रकार से कहीं से भी कटिंग कर देगा। अब देखिए गुलाम कट रहा है, तो गुलाम हो सकता है आपका आएगा या नहीं भी आएगा, गुलाम एक पत्ती ऐसा होता है, क्योंकि आपने 2 गुलाम अंदर रखा है और 2 गुलाम उसको दिया है, ठीक है। गुलाम का जो खेल होता है ना, गुलाम में आपको होशियारी करना है। देखिए गुलाम भी कट गया, इसलिए मैं आपको इस खेल में बता दिया। तो गुलाम जो कटता है ना, गुलाम में नक्की नहीं रहता है कि अंदर ही आएगा या बाहर जाएगा, गारंटी नहीं है, वो पक्की हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए से ध्यान देना है गुलाम पे सिर्फ। और उसके बाद जो है कि 12 पत्ती किसी प्रकार से कट जाए, देखिए अभी नाला कट गया, अभी नाला 100% अंदर आएगा, 2 में 1 नहीं है, चाहे उधर जितना पैसा लगा देगा सब पैसा मैं खा जाऊंगा, जितना पैसा लगा सकता है जितना लगा देगा।
चाहे जितना पैसा लगाएगा उतना खा जाऊंगा। देखिए आ गया ना, पत्ती पीसने भी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या करनी है, इस नाला तो हो गया, अभी नाला को हम यहाँ पे रख लिए, ठीक है। और देखिए तीन पत्ती ये आपका हो गया, इसको नीचे डाल दीजिए, नीचे डाल दिए और तीन पत्ती ये ऊपर डाल दिए, तीन दान पे मर गया। अभी आपको क्या करनी है, बस जैसे कि दान हो गया, पैसा समेट लिए, बस तीन बार इसे से करना है, 1 2 3, क्योंकि फिर आपका 26 लग गया, 3 लग गया, बस इसको रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, चाहे ऊपर रख दीजिए कोई टेंशन नहीं है। 3 लग गया, उसके बाद फिर उसी प्रकार से पीसना चालू कर दीजिए, इसी प्रकार से पीसना चालू कर दीजिए। सिर्फ एक्सपीरियंस बनाना है पीसने का। अभी देखिए तिग्गी, तिग्गी फिर मरेगा, चाहे जितना पैसा उधर रखेगा सब पैसा खा जाऊंगा, तिग्गी इधर आएगा, ठीक है। चाहे जितना भी पैसा रख दे कोई टेंशन नहीं है। देखिए तिग्गी आ गया ना, पीसने में, ताश में, पत्ती फेंकने में भी कोई टेंशन नहीं, सही से फेंकिए, कोई टेंशन नहीं, आराम से फेंकिए, तिग्गी अंदर आएगा। अब फिर देखिए, फिर मैं इस ताश को रख लिया हूँ, और इस ताश को देखिए दो पत्ती नीचे रख लिया और दो पत्ती ऊपर रख लिया, ठीक है। उसका पत्ती ऊपर रखना है, अपना पत्ती नीचे रखना है, नीचे रखना है, दो पत्ती था तो दो दाव इसे कर लेना है, 1 2 2 हो गया, फिर रख देना है, फिर रख के बस इसी प्रकार से पीसना चालू कर देना है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बीच से नहीं निकलना है, समझे ना। इस प्रकार से पीस दिए, फिर दे दिए कटिंग करने के लिए। अभी देखिए फिर से कटिंग करेगा, अब देखिए दुग्गी, अब दुग्गी 100% अंदर आने वाला है, बाहर जाएगा ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए, कहीं से कटिंग कर लेगा बंदा तो दुग्गी इधर आएगा। देख लीजिए पत्ती मैं फेंकता हूँ सही से, ये नहीं कि आप बोलोगे अंदर से और ऊपर से, ऊपर से अंदर से कुछ नहीं। अभी देखिए जहाँ भी पत्ता गिरेगा वो पत्ता 100% यानी कि आप में ही गिरेगा, अंदर गिरेगा, ठीक है। आ गया ना, ठीक है। तो जैसे कि अब देखिए इसमें ज़्यादा पत्ती हो गया, आप समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से भी उठा सकते हो, इस प्रकार से उठा लिए, इस प्रकार से भी उठा लिए। अगर बोलेगा ना भाई इस प्रकार से मत उठाओ, ना उठाओ, इतना उठा लिए तो पता चल गया पांच पत्ता है, पांच यहाँ रख दिए, देख लिए पांच ऊपर रख लिए, फिर पांच बार इस प्रकार से कर लिए, पांच पत्ता रखे हैं इस पर, या 2 3 4 5, फिर इसको रख दिए, मेरा छबीसा बन के तैयार हो गया। अभी किसी इस प्रकार से पीसना है, इस नीचे से, यानी कि नीचे से देखिए, इस प्रकार से नीचे से निकालनी है, ऊपर चढ़ा देनी है, चाहे छोटा चढ़ाइए कम चढ़ाइए, देखिए कम चढ़ाएंगे चलेगा, सिर्फ बीच से नहीं खींचनी है, इस प्रकार से बीच से खींचोगे छबीसा खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब फिर देखिए इस प्रकार से छबीसा लग गया, और फिर देखिए कटिंग हो गया, कटिंग हो गया पंजा, तो पंजा 100% अंदर आने वाला है, चाहे जितना पैसा आप लगा लीजिए, देखिए पंजा आ गया अंदर, जितना पैसा लगा लीजिए, कोटेशन नहीं है, ऐसा ट्रिक है। आप घर में छबीसा बना लीजिए नया ताश लेके, और नहीं तो आप जो है कि आराम से वहाँ पर एक्सपीरियंस बनाओगे तो खेल में भी आप बना सकते हो, जैसे कि हम लोग खेल में भी बना लेते हैं छबीसा, बस कोई भी कटिंग करा पूरा राउंड मार दिए, पैसा आ गया, बस जीत लिया, घर चलाए, बस मेरा पैसा, हारा हुआ पैसा जो था वापस हो गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में मिलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही।